देश भर में चल रहे बीजेपी सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को सरकार के विकास कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, पूरे देश में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत मिर्जापुर में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही प्रत्येक बूथ पर 5 पौधे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अरुण सिंह ने आजम खान के उस बयान की निंदा की है, जिसमें आजम खान ने कहा था कि बंटवारे के समय उनके परिवार वालों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी। यहां संगठन को धार देने के लिए जो सदस्यता अभियान चल रही है उसको धार देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ है अरुण सिंह, आइए जानते हैं उनसे क्या संदेश दिया अरुण सिंह जी आपने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ से अधिक सदस्य है। अभी हमारा संगठन पर्व की शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से शुरू किया। इस बार सदस्यता सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, सर्वसमावेशी भी होना चाहिए। यहाँ पे लक्ष्य 1 लाख का जिला ने रखा है नए सदस्य बनाने का। हमें पूरा विश्वास है कि जिला संगठन के सभी लोग जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इसको पूरा करेंगे। जो गांव गरीब किसानों के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार काम कर रही है, उन सरकार की उपलब्धियों को योजनाओं की जानकारी भी जनता के बीच में देंगी और पार्टी की विचारधारा को भी लोगों को ले जा करके उसको बताएंगे, पहुँचाएंगे और पार्टी के संगठन को विस्तार देने का काम सभी संगठन के कार्यकर्ता करेंगे। इसके साथ साथ सभी बूथ पे जहाँ भी संगठन का काम करने जाएंगे सदस्यता का अभियान लेकर के, उन बूथों पे वृक्षारोपण का काम करना चाहिए। हर बूथ पे 5 पेड़ कम से कम उसको लगाएं। जनसंघ के काल से काम करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें और सदस्यता का काम पूरे जोर शोर से कर रहे हैं और करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट टक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज़, मिर्जापुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।